नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वला गजवी है, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं ओमेगा 3 क्या होता है। ओमेगा 3 यह एक फैटी एसिड है, फिश ऑयल से मिलता है। ये दो फॉर्म में आता है, ईपीए और डीएचए। तो हम अभी जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल पाया जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करता है और हमारे सेल्स को एक्टिव करने का काम ओमेगा 3 बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि पाया गया है, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एलडीएल और एचडीएल कहते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर एलडीएल की मात्रा यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा हो जाता है तो हमको हार्ट अटैक का खतरा बनता है। तो इसमें ओमेगा 3 जो है वो एलडीएल और एचडीएल के बैलेंस को अच्छा बना के रखता है, काफी संतुलन में रखता है। तो हमारा जो हार्ट डिजीज का या हार्ट अटैक का खतरा होता है उसके चांसेस कम बनते हैं। साथ में ही इसमें विटामिन ई भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ई और ओमेगा पाया गया है। तो ये जो विटामिन ई है हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आंखों की रेटिना की हेल्थ को ये बहुत अच्छा बना के रखता है। साथ में हमारी स्किन को चमकदार बनाता है। स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम हो, खाज खरोंची, कोई भी प्रॉब्लम हमारे स्किन से रिलेटेड हो तो ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। हमारी स्किन के लिए एक मिरेकल की तरह ये काम करता है, कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के अच्छे फंक्शन के लिए, हमारी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। तो साथ में ये हमारी हेयर स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छा रखता है। साथ में जैसे आजकल जो हम देखा गया है कि ब्रेन से रिलेटेड भी काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, ब्रेन का सबसे जो ब्रेन से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम जो होती है, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, इसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम ओमेगा 3 का जब रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, या इससे हमको काफी हद तक निजात मिल जाती है और हमारा जो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है या हार्ट अटैक का खतरा है वो काफी हद तक हम इसको रोक सकते हैं। साथ में ब्रेन का जो आजकल ओल्ड एज में जाते जाते जो अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स हो रही है, भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, तो ऐसे में ओल्ड एज पीपल को हम लोग इसको दे सकते हैं ताकि उनकी याददाश्त अच्छी बनी रहे। साथ में आजकल जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, डिप्रेशन के साथ में एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, रोना आना, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें ओमेगा 3 जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, आपके दिमाग को शांत रखने का काम करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लोगों को आजकल लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट ना रहना, चिड़चिड़ होना, किसी काम में मन ना लगना, भूख ना लगना, ये जो चीजें हो रही है तो ये ब्रेन से रिलेटेड जो चीजें है तो इसको ये बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, हमारे हार्मोनल्स को बैलेंस रखने का काम करता है। तो इसीलिए ओमेगा 3 जो है ये एक वरदान, आने वाले दिनों में और भी कितनी न जाने कितनी बीमारियां बढ़ने वाली है, तो अगर हम इसका रेगुलर सेवन अगर हम करते रहे और लोगों को भी इसके बारे में अगर बताते रहे तो ये बहुत अच्छा एक काम भी हो जाएगा। और आप भी अगर साथ में इसको कंज्यूम करते हो तो आपकी भी सेहत ये बहुत अच्छी बनी रहेगी।